हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, आईआईटी की तरफ से आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त भर्ती लेकर आ चुका हूँ। जी हाँ दोस्तों, परमानेंट सरकारी नौकरी है और इस भर्ती का फुल नोटिफिकेशन आ चुका है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आईआईटी नर्स भर्ती 2023 दोस्तों, आईआईटी की तरफ से 153 पदों पर नर्सिंग, जूनियर इंजीनियर, जेई, टेक्नीशियन, इसके अलावा बहुत सारे पोजीशन पर वैकेंसी आ चुकी है। यहाँ पे नोटिफिकेशन देख सकते हो, फुल नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है, जिसमें आप लोग जो हैं 5 जुलाई 2023 तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे नंबर 1 सिलेबस के बारे में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे सिलेक्शन होगा, और इसके साथ ही क्वालिफिकेशंस क्या होगी, यानी कि योग्यता क्या होगी, जॉब लोकेशन क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी, कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, किस वेबसाइट पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, A to Z सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। चलिए आपको लेके चलते हैं IIT की नोटिफिकेशन पर और बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, IIT खड़गपुर से भर्ती निकाली गई है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं नोटिफिकेशन पर। तो दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे फुल नोटिफिकेशन ओपन हो चुकी है, और यहाँ पे देखो कि आप लोग 16 पेज का नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, यानी कि IIT खड़गपुर से यह भर्ती निकाली गई है, जिसमें विज्ञापन संख्या आप लोग देख सकते हो R/09/2023 डेटेड June 5, 2023, यानी कि 5 जून को आप लोगों का फुल नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है, जिसमें बताया गया है IIT खड़गपुर से यह नॉन टीचिंग पोजीशन पर परमानेंट भर्ती निकाली जाती है, और इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो है आपसे इनवाइट किए जाते हैं, और आप जो हैं ऑनलाइन मोड में ही फॉर्म को दोस्तों फिल कर पाएंगे। नीचे आओगे तो अभी वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा भी कि किस वेबसाइट पर नोटिफिकेशन मिलेगी, कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। जूनियर एग्जीक्यूटिव की यहाँ पे 19 वैकेंसी है, Level 6 के अंतर्गत सैलरी मिलेगी, और इसका पे मैट्रिक्स है 35,400 to 1,12,400, Level 6 का दोस्तों पे मैट्रिक्स है, इसे देख लेना, क्लियर। नंबर 2 देखिए, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर की यहाँ पे 5 वैकेंसी है, इसका भी दोस्तों Level 6 के अंतर्गत सैलरी मिलेगी, पे मैट्रिक्स मैंने आपको बता ही दिया है। नंबर 3 देखिए, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की यहाँ पे 30 वैकेंसी है, और इसको भी दोस्तों Level 6 के अंतर्गत सैलरी मिलेगी। नंबर 4 जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन, और भी यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट है, और इसमें जूनियर इंजीनियर के लिए 22 वैकेंसी है, Level 6 के अंतर्गत यहाँ पर सैलरी मिलेगी। एंड नंबर 5 मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन में दोस्तों, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन MLT फिजियोथेरेपी में दोस्तों 1 वैकेंसी, Level 6 के अंतर्गत सैलरी मिलेगी। और नर्सिंग स्टाफ नर्स की जो है 12 वैकेंसी है, और नर्सिंग की 12 वैकेंसी है, और इसमें भी Level 6 के अंतर्गत सैलरी मिलेगी। नंबर 7 देखिए, यहाँ पे सीनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की 2 वैकेंसी, Level 6 के अंतर्गत सैलरी मिलेगी। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की यहाँ पे दोस्तों टोटल 5 वैकेंसी है, इसमें भी Level 6 के अंतर्गत सैलरी मिलेगी। एंड नंबर 9 असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर Grade 2 की दोस्तों 3 वैकेंसी है, और इसमें भी Level 6 के अंतर्गत सैलरी मिलेगी। जूनियर असिस्टेंट की यहाँ पे 20 वैकेंसी है, और इसमें भी Level 3 के अंतर्गत सैलरी मिलेगी, जिसमें मैक्सिमम सैलरी 69,100 होने वाली है। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट का मैंने आपको बता दिया है, जूनियर टेक्नीसियन जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की यहाँ पे 23 वैकेंसी है, और इसमें Level 3 के अंतर्गत सैलरी मिलेगी, जिसका पे मैट्रिक्स यहाँ पे है, और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि Level 3 के अंतर्गत मैक्सिमम सैलरी 69,100 होगी, एंड Level 6 के अंतर्गत जो यहाँ पे मैक्सिमम सैलरी होगी 1,12,400 रुपये बनने वाली है, क्लियर। जी हाँ, कोई प्रॉब्लम होगा नीचे आप लोग ज़रूर कमेंट कर देना, मैं अच्छे से रिप्लाई कर दूँगा। इसके बाद देखिए, सिक्योरिटी इंस्पेक्टर की जो है 5 वैकेंसी Level 3 के अंतर्गत सैलरी मिलेगी, ड्राइवर Grade 2 की यहाँ पे 6 वैकेंसी Level 3 के अंतर्गत सैलरी मिलेगी। तो इसमें टोटल 13 अलग अलग पोजीशन पर यह परमानेंट भर्ती निकाली गई है, जो कि ऑल इंडिया भर्ती है, और इसमें पूरे भारत से फॉर्म को दोस्तों अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, क्लियर है। इसके बाद दोस्तों नीचे आओगे, टोटल 153 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है,
जिसमें से अगर आप लोग देखोगे तो पीडब्ल्यूडी के लिए कितनी वैकेंसी है, तो पीडब्ल्यूडी के लिए 6 वैकेंसी है एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 16 वैकेंसी है एंड ओबीसी एनसीएल के लिए देखोगे तो 41 वैकेंसी है और एसटी के लिए दोस्तों देखोगे तो 14 वैकेंसी है एंड एससी के लिए 22 वैकेंसी है एंड 54 वैकेंसी यूआर कैटेगरी के लिए है। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशंस के बारे में। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव में दोस्तों जो बैचलर डिग्री ले रखे हैं प्लस 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है कंप्यूटर लाइन में, वे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। मैक्सिमम एज यहाँ पे 30 ईयर्स रखी गई है और इसमें एज क्राइटेरिया में आपको छूट मिलेगी। एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको जो है ओबीसी वालों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी, आप सभी को पता है। तो इसके साथ ही एससी और एसटी वालों को दोस्तों 5 ईयर्स की एज क्राइटेरिया में छूट मिलने वाली है। जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर में बैचलर डिग्री ले रखे हो कॉमर्स लाइन में या बीबीए कर रखे हो या एमबीए कर रखे हो प्लस 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकती हो। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट में दोस्तों अगर आपने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रखा है 3 ईयर्स का तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई करोगे। इसके साथ ही जो बीएससी कर रखे वे भी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। जूनियर इंजीनियर की यहाँ पे वैकेंसी है और जूनियर इंजीनियर में अगर आपने बैचलर डिग्री ले रखा जैसे बीटेक कर रखा बी कर रखा इंजीनियरिंग में तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ ही जो डिप्लोमा कर रखे हैं वे भी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करेंगे, लेकिन डिप्लोमा के पास जो है 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की यहाँ पे वैकेंसी है फिजियोथेरेपी और इसमें बीपीटी फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ये आप लोग देख सकते हो। इसके साथ ही 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांग गया है, यानी कि 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांग गया है एंड प्लस किसी किसी पोजिशन में 3 ईयर्स का भी एक्सपीरियंस मांगा गया है। ये इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। नर्सिंग की वैकेंसी है और इसमें देखोगे तो मैक्सिमम जो एज है 30 ईयर्स रखी गई है और नर्सिंग की जो वैकेंसी है नर्सिंग में जो है अगर आपने जीएनएम कर रखा है प्लस 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप लोग यहां पे फॉर्म को अप्लाई कर सकती हो। बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए साफ साफ यहाँ से बोला जा रहा है 3 ईयर्स नर्सिंग एक्सपीरियंस। तो अगर आपने जीएनएम कर रखा है 12वीं के बाद अगर आपने जीएनएम कर रखा है और आपके पास 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है किसी भी हॉस्पिटल में तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो नर्सिंग के लिए। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए बहुत सारे पोजीशन है और बहुत सारे पोजीशन वाइज यहाँ पे क्वालिफिकेशंस है। जैसे जूनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी तो इसमें बीएससी को मौका दिया गया, बीएससी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसके साथ ही जो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रखे हैं वे भी जूनियर टेक्नीशियन के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 25 ईयर्स एज क्राइटेरिया है। तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग वालों के लिए बहुत सारे यहाँ पे पोजीशन है क्योंकि वे जेई के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड जूनियर टेक्नीशियन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखोगे तो यहाँ पे 5 जुलाई 2023 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। 5 जुलाई तक फॉर्म अप्लाई करोगे, जिसके लिए आपको जाना है सबसे पहले नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है www.iitkgp.ac.in और इस वेबसाइट पे जाके आपको क्यूक लिंक्स का ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्यूक लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे फिर आपको नॉन टीचिंग पोजीशन सेलेक्ट करना है और आपकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन आपको करना है, यानी कि फॉर्म को अप्लाई करना है 5 जुलाई 2023 तक और इसके बाद फॉर्म को भर देना है। कोई यहाँ पे हार्ड कॉपी आपको जमा नहीं करना, बस आपको फॉर्म वहाँ पे भर देना है। इसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाला है एससी एसटी के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए और महिलाओं के लिए 250 रुपये का एप्लीकेशन फ़ीस है। बाकी सभी कैटेगरी के लिए हम बात करें जो एससी हैं एसटी और जो महिला हैं ऑल कैटेगरी महिला उनके लिए तो दोस्तों 250 रुपये का एप्लीकेशन फ़ीस है। बाकी सभी के लिए ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल उनके लिए 500 रुपये का एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा जो कि आप लोग ऑनलाइन मोड में ही पेमेंट कर सकते हो। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके फॉर्म को अप्लाई करिए। थैंक यू दोस्त, मैंने आपको A to Z सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। बाई मिस्टेक कोई गलती हो गई है, माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद।